आशुतोष आप भी बाहर मौजूद हैं, ठंड आपको भी लग रही होगी, रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना जरूरी है। क्या कुछ कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक, और अभी 2 डिग्री का जो ये टेम्परेचर का टॉर्चर है वो कब तक झेलने को मजबूर होंगे दिल्ली वासी? ये कम से कम अगले 3 दिनों तक राहत नहीं है, और सफदरजंग में जो है वो लगभग 4.4 डिग्री माफ कीजिएगा यहाँ दर्ज हुआ है, और इसके आगे जबकि साउथ दिल्ली में एक जगह जहां पर दूसरी पॉइंट पर दर्ज किया जाता है वहां 2 डिग्री तक पहुंच गया है, और इस समय हाथ पर अगर कांप ना रहे होते तो उन्हें जेब में ऐसे रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मानिए गाड़ी में हीटर चला के बाहर निकलने का दिल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आप इंडिया गेट पर जाते हैं तो एक तो घने कोहरे की चादर, यानी मैं जहां पीछे खड़ा हूं ठीक उसी जगह पे जहां चित्रा रात को रिपोर्ट कर रही थी, अगर आप देखिए तो यहां से ज्यादा दूर है नहीं राष्ट्रपति भवन, लेकिन इस समय आपको वो ओझल दिखाई देगा, आंखों के सामने नहीं है। फिलहाल चूंकि 26 जनवरी का पर्व आने वाला है इसीलिए तमाम सारे बंदोबस्त यहां पर हैं, लोग ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में सैलानी घूम रहे हैं, लेकिन हाँ ठंड बहुत ज्यादा है, और इसीलिए हम भी ये कह रहे हैं कि अगर आप निकल रहे हैं बाहर तो कम से कम ख्याल जरूर रखें, खुद को पैक करके रखें। बिल्कुल आशुतोष, आप भी ध्यान रखें, और सर्दी निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के हालात को आप सभी दर्शकों को हम बताते हैं, जम्मू कश्मीर में सुनील जी भट्ट मौजूद हैं। सुनील जी भट्ट, आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में बाकी देश के हिस्सों की तुलना में ठंड थोड़ी ज्यादा पड़ती है, अभी हालात क्या है? तो ठंड काफी ज्यादा है और यहाँ पर खड़े रहना भी काफी ज्यादा इस समय कठिन है, और सुबह से ही यहाँ पर घना कोहरा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से भी कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, यहाँ पर जम्मू शहर की ये तस्वीरें हैं, और जो आसपास के इलाके हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि कोहरे की घनी चादर ने पूरे शहर को लपेटा हुआ है। और अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो समूचे जम्मू संभाग में चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, मैदानी इलाके हो, सभी जगह पर जो है ठंड काफी ज्यादा है, लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, और इससे सामान्य जनजीवन जो है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि लोगों को दिनचर्या के जो अमूमन जो कार्य करने होते हैं उनमें काफी ज्यादा कठिनाई हो रही है। कश्मीर घाटी में तो ठंड का प्रकोप काफी अधिक है, वहां पर रात का जो तापमान है वो 0 से नीचे चला जाता है जिससे लोगों को भी काफी कठिनाई होती है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि पर्यटक इस मौसम का आनंद ले रहे हैं, और जो पर्यटक स्थल है यहाँ पर चाहे जम्मू संभाग में हो, कश्मीर घाटी में हो, वहाँ पर्यटक भारी संख्या में आ रहे हैं और इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। और आशुतोष, मैं आपको बता दूं, यहाँ जम्मू संभाग में जो स्कूल है उनकी सर्दियों की छुट्टी यहाँ पर समर जोन में जो है बढ़ा दी गई है, अब 7 तारीख तक, यानी ठीक है। आप नजर बनाकर रखे, जल्दी से हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब दर्शकों के लिए चलते हैं, वहां से संतोष शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संतोष, लखनऊ में भी हालात क्या है, सर्दी का सितम कितना देखने को मिल रहा है? लखनऊ में भी सर्दी का सितम बरकरार है, और इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लखनऊ का जो तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस है, अभी 9 बज चुके हैं, तो रात के समय पर ये जो तापमान है लगातार 5 से 6 डिग्री के बीच में 2 से 3 दिनों से रह रहा है। इस वक्त पर सड़कों पर आप देखें कि किस तरीके की धुंध है, कि जो वाहन भी निकल रहे हैं बहुत धीमी गति से, अभी कुछ देर पहले तक जो गाड़ियां हैं वो लाइट जला करके चल रही थी क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, और लगातार ये ऐसा नहीं है कि सुबह के वक्त में ही है, दिन में 12 बजे भी इसी तरीके से लखनऊ ही नहीं उत्तर प्रदेश के तमाम शहर ठिठुर रहे हैं। लोग मजबूरी वश जिनको जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ रहा है वो ही बाहर निकल रहे हैं, और यह जो हालात दिल्ली के थे उससे कमोबेश वैसे ही हालात लखनऊ और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है संतोष, बिल्कुल। अब चंडीगढ़ अब चलते हैं, सत्येंद्र चौहान की वहां पर मौजूदगी है। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे चंडीगढ़ वासी और आसपास के लोग किस तरह से सर्दी का सामना कर रहे हैं? देखिए आशुतोष, एक तरफ घना कोहरा है, दूसरी तरफ शीतलहर, यानी कि एक कॉकटेल बना है, और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो ये हरियाणा, पंजाब और हिमाचल तीनों राज्यों को कहीं ना कहीं टच करता है। अगर बात करें तो भटिंडा में फिलहाल 0 विजिबिलिटी है, ऐसे ही हरियाणा और पंजाब के कई शहर हैं जिनका तापमान फिलहाल शिमला से कम है, यानी कि शिमला से ज्यादा ठंडक हरियाणा और पंजाब में है इस समय। और अगर मौसम विभाग की बात माने तो अगले 24 घंटों में हिमाचल में बर्फबारी होगी, और पहाड़ी इलाकों में जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बारिश भी हो सकती है, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं जो ड्राई कोल्ड है, सूखी ठंड है, इससे थोड़ी राहत दे सकता है। बिल्कुल सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहे।